राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला परवान पर है। चुनावी साल में फिलहाल कांग्रेस खेमे का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में जमींदारा पार्टी के विधायक सोना देवी बावरी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अब जयपुर में बीजेपी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर शहर के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के लगभग 100 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं ने जयपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में हाथ का दामन थामा है। जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है उनमें बीजेपी के सिविल लाइन क्षेत्र के मंडल पदाधिकारी, प्रकोष्ठ पदाधिकारी और भाग संख्या अध्यक्ष शामिल है। खाचरियावास के सिविल लाइन आवास में हुए एक कार्यक्रम में इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। इस मौके पर खाचरियावास ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार 4.5 साल के शासन में हर मोर्चे पर विफल रही। राजस्थान की जनता को साफ पानी भी जो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। केंद्र मंत्रालय की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान की जनता सबसे दूषित पानी पीने को मजबूर है। दूषित पानी से पूरे प्रदेश में बच्चे बीमार हैं और इसका कारण सरकार की घोर लापरवाही है। मूलभूत सुविधाओं से जनता को वंचित रखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आम आदमी की महंगाई के कारण कमर टूट चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोल डीजल को लेकर बयानबाजी करके दरें कम करने की बजाय लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से जनहित में एक्साइज ड्यूटी, वैट और सेस घटाकर पेट्रोल डीजल सस्ता कर आम आदमी को राहत देनी चाहिए। साथ ही पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ते हुए क्रूड ऑयल का फायदा जनता को देना चाहिए था।